एक घटना घटी 2016 मसीह जेतेबेले डॉक्टर माने एक पेशेंटर ब्रेन को चेकअप करथिया समय रे एक एमित कथा नोटिस करथिले जहाकि आज सुधा मेडिकल साइंस रे एमिति घटना घटी नथिला। सही पेशेंट को एक मानसिक रोग होइथिला जेतेबेले डॉक्टर माने लोकटीर ब्रेन रो एक्टिविटी को ईईजी माध्यम रे रेकर्ड करथिले सेतेबेले टेस्टर किसी समय भितर लोकटी को हार्ट आटाक आसथिला जहाँफल लोकटीर मृत्यु होता आई घटना डॉक्टर मानकर क्यारियर भितर प्रथम थर घटुला कि एक पेसेंटर ब्रेन स्कानिंग समय रे मृत्यु होगा आउ डॉक्टर माने यही कथा को अनुभव कर पारे कि पेसेंट मरवा समय तार मस्तिष्क जहाँ भी घटी थी से सबू यही टेस्ट जमती हेले रेकर्ड होता माने पेसेंटर मृत्यु पूर्व और मृत्यु पर जहाँ भी भावुला से सब रेकर्ड होता तेरे भिडियो आगे ना पूर्व चैनल को नुआ आसते एवं ही चैनल को सब्सक्राइब करनी कारण आगे एमती अनेक इनफर्मेटिव भिडियो देखिपारे मुझुदन मोर चैनल एम ए मास्टर्स इंडिया आपको स्वागत करूँ। ब्रेन स्कानिंग समय मृत्युवरण कर लोकटी होती जड़े 87 वर्षीय कानाडार नागरिक थे जहाँ को एपिलेप्सी नामक एक रोग होता माने एपिलेप्सी नामक एक रोग होता यही रोग कारण से बेले बेले बेहोश हो जाते से डॉक्टर तांकर ब्रेन रो वेव्स को मॉनिटर करने ईईजी करते ईईजी माने इलेक्ट्रो इनसेफलोग्राम जहाँ द्वारा ब्रेन रो घटुवा इलेक्ट्रिकल आक्टिविटी को मॉनिटर करा जाए था। यही टेस्ट समय 15-30 इलेक्ट्रोड्स को मस्तिष्क माने सेट करा जाए था जहाँकि ब्रेन सेल रु माने ब्रेन सेल रु प्रोड्यूस होता इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट करता है और कंप्यूटर स्क्रीन रे शो कराई हेले यही टेस्ट समय रे डॉक्टर माने किपरि जानिपारंती जे लोकटीर मनरे कौन चलता है तेबे यही कॉन्सेप्ट को से माने यही पर जानि परथांती आपण मथे जानंतु ए कॉन्सेप्ट कौन माने देखो मनीषर ब्रेन रे लक्ष लक्ष कोटी न्यूरॉन रहिथाय आउ एही न्यूरॉन मस्तिष्क रे रही गोटे जगार अन्य एक जगह को मेसेज पठाई था माने मेसेंजर पर काम करते मेसेज एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस होता है जहाँ गोटे पार्श्वर न्यूरॉन मेसेज कला बेले अन्य पार्श्वर न्यूरॉन मेसेज ग्रहण करता है आउ मनीषर कौन सी भी बॉडी पार्ट को परफॉर्म करने पठाई था आ प्रत्येक समय रे ब्रेन रे यही प्रोसेस एक साथ रे फल बहुत इलेक्ट्रिकल चार्जेस गोटे जगार अनेक जगह को मूव कराई था आउ एही मूव बा गति करिबा समय रे वेव्स रे एक पैटर्न तैयारी होता है जहाँ को ब्रेन वेव्स कह जाए आउ एही ब्रेन वेव्स रो प्रत्येक काम पाई बा भावना पाई माने जो ब्रेन वेव्स प्रत्येक काम पाई बा भावना पाई अलग अलग होता है तेणु एही ब्रेन वेव्स को मेडिकल साइंस रे 5 भाग विभक्त करा जाय छी बा जानी पार छी मेडिकल साइंस जहाँ को गामा बीटा अल्फा थीटा और डेल्टा नाम दि जाए अल्फा ब्रेन रो पैटर्न किसी एमती होता है जहाँ फ्रीक्वेंसी माने 8-12 हर्स होता है माने एक सेकेंड रे एही वेव्स 8-12 हर्स जाइपर था आमर ब्रेन रे अल्फा वेव्स सेतेबेले सृष्टि होता है जेतेबेले आमे सोई थाउ बा रिलैक्स रे थाउ सेपरी बीटा जो बीटा ब्रेन रो पैटर्न किसी एमती होता है जहाँ फ्रीक्वेंसी 12.5-30 हर्स जाए था आउ एही वेव्स सेतेबेले होता है जेतेबेले आमे कौनसी काम रे व्यस्त थाउ बा कौनसी काम करी थाउ सेपरी गामा वेव्स रो फ्रीक्वेंसी 25-140 हर्स होता है आउ एही वेव्स सेतेबेले माने प्रोड्यूस होता है जेतेबेले कौनसी एक जटिल काम करी थाउ माने बहुत दिनर कथा मन पकाई थाउ बा बहुत अतीतर कथा को आमे मन पकाई थाउ एवं आउ भी होता है माने बड़ बड़ क्वेश्चन रो उत्तर को आमे कम समय मध्य दे पार्थिवा इत्यादि यही प्रकार रे होचे ला आस्थाए जतले ए रेस्टी एयर फ्रीक्वेंसी जतले होता है सेपरी डेल्टा वेव्स फ्रीक्वेंसी सबठारु कम होता है माने यहाँ 0.5-4 हर्स पर्यंत होता है यही वेव्स मनुष्यर शोबा समय होता है जिते मनुष शरीर निद्रा जाए से वेव्स होता है तापर थीटा वेव्स फ्रीक्वेन्सी यही थीटा वेव्स फ्रीक्वेन्सी 4-7 हर्स पर्यंत होता है
ଏହି ୱେବ୍ସ କୌଣସି ଜିନିଷ ଶିଖିଲା ବେଳେ ବା ମନେ ପକାଇବା ବେଳେ ବା କୌଣସି କଥା ଭାବିବା ବେଳେ ଏହି ୱେବ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି କଥା ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି, ତେବେ ଏହି କଥା ଆପଣ ଜାଣିସାରିଲେଣି ମାନେ ସେହି ଲୋକଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଟର୍ଣ୍ଣର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ତେବେ କାନାଡ଼ାର ସେହି ଲୋକଟିର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରମାନେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବହୁତ ଗାମା ୱେବ୍ସ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ୱେବ୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଦର୍ଶାଇଥିଲା କି ଲୋକଟିର ତାର ଅତୀତ କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିରେ ବିତାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ବିତାଇଥିବା ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବିତାଇଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖ ଦୁଃଖର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ମନେ ପକାଉଥିଲା, ତାର ସବୁ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଲୋକଟିର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଘଟିଥିବା ଗାମା ୱେବ୍ସର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସିକୁ 2016-2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୁରା 5 ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥିଲେ କି ଲୋକଟି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ ସେ ତାର ମାନେ ଲାଇଫ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଥିଲା। ଖାଲି ସେହି କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଲୋକଟି ନୁହେଁ, ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥାଏ, ଏବଂ ମରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ମରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରକୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଥାଏ ସେ ଭଲ କଥା ମନେ ପକାଇଥାଏ, ଏବଂ ବା ତା'ର ମନକୁ ଭଲ କଥା ଆସିଥାଏ। ସେମିତି ଯିଏ ମନ୍ଦ କାମ କରିଥାଏ ତା'ର ମନକୁ ସବୁ ଖରାପ କଥା ଆସିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟି ମରିବା ସମୟରେ ପଶ୍ଚାତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ, ତା ସହିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।